ये जो तस्वीरें आपने देखी, इन्हें देखकर आप भी हैरान हो गए होंगे कि कैसे राजधानी भोपाल में कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। लेकिन इस तस्वीर के पीछे की पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। दरअसल राजधानी भोपाल में ये जो तस्वीर है, ये बीते 2 दिनों से सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे सड़क पर रखे ट्रैफिक पुलिस के इस बैरिकेड को दोपहिया सवार जो 3 युवक हैं वो खींचते हुए ले जा रहे हैं। कुछ दूर तक वो इसे खींचते हैं और उसके बाद इसे छोड़ देते हैं। अब इस बैरिकेड में नीचे पहिए लगे हुए हैं। ये वो छोटे छोटे बैरिकेड हैं जिन्हें ट्रैफिक पुलिस इस्तेमाल करती है यातायात को कंट्रोल करने के लिए। और क्योंकि इन बैरिकेड को कई बार सड़क पर लगाना होता है, उन्हें हटाना होता है, तो इस हटाने के लिए, लगाने के लिए इनमें नीचे छोटे पहिए लगे रहते हैं। यही बैरिकेड राजधानी की वीआईपी रोड यानी जो सबसे ज़्यादा संवेदनशील इलाकों में से एक, जिस सड़क को माना जाता है, जिस सड़क से रोज़ाना कई सारे वीवीआईपी गुजरते हैं, मुख्यमंत्री तक गुजरते हैं जिस सड़क से, उस सड़क पर यह बैरिकेड लगा हुआ था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वीआईपी रोड का ये जो हिस्सा है इसे रेत घाट चौराहा बोलते हैं। नए शहर से पुराने शहर जाने के लिए या फिर भोपाल से लाल घाटी की ओर जाने के लिए सबसे ज़्यादा यातायात का दबाव इसी चौराहे पर रहता है। जाहिर सी बात है, दिन भर यहाँ ट्रैफिक पुलिस रहती है, रात को ट्रैफिक पुलिस भले ही चली जाती हो लेकिन बैरिकेड अपनी जगह पे थे। इसी दौरान कुछ युवक आते हैं इकबाल मैदान और मोती मस्जिद की तरफ से। ये तीनों युवक आते हैं दोपहिया वाहन पर सवार होकर और तेज़ी से एक बैरिकेड के पास जाते हैं। उन्हीं में से एक युवक जो है उस बैरिकेड को पकड़ता है और जो दोपहिया चला रहा होता है युवक वो तेज़ी से एक्सीलेटर दबा देता है, गाड़ी आगे चलती है और पीछे पीछे बैरिकेड भी खींचते हुए चला जाता है। जिस जगह पर ये घटना हुई है, जिस जगह पे ये सिरफिरे लड़कों ने ये शरारत की है, वहाँ पर एक ढलान है। ये ढलान मोती मस्जिद की तरफ से रेत घाट की तरफ आती है और आगे इसके बाद चढ़ाई शुरू हो जाती है कमला पार्क के लिए। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि बैरिकेड ढलान की वजह से कुछ आगे तक खिसकता ज़रूर है, लेकिन जब कमला पार्क की चढ़ाई शुरू हो जाती है तो बैरिकेड वहीं पर रुक जाता है। इस दौरान पीछे से कुछ दोपहिया सवार दूसरे लोग भी आ रहे होते हैं। जाहिर सी बात है, समय रहते वो ब्रेक लगा देते हैं, नहीं तो हादसा हो सकता था क्योंकि व्हील लगे होने की वजह से ये बैरिकेड सड़क पे लुढ़कता जा रहा था। पुलिस का कहना है कि फिलहाल ये वायरल वीडियो कब का है ये स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन वो आसपास के जो तमाम सीसीटीवी फुटेज है उसे खंगालने की कोशिश कर रही है। और पुलिस का ये दावा है कि ये जो भी युवक होंगे, अगर उस गाड़ी में नंबर प्लेट होगी तो उनकी पहचान आसानी से कर ली जाएगी, क्योंकि इस हिस्से में, रेत घाट चौराहे के इस हिस्से में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सबसे उन्नत कैमरे जो हैं वो यहीं पे लगे हुए हैं। इसकी एक बड़ी वजह है कि यहीं से इंदौर जाने वाला पूरा ट्रैफिक, लाल घाटी की ओर जाने वाला पूरा ट्रैफिक तो जाता ही है, लेकिन इस सड़क का इस्तेमाल लगभग रोज़ाना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी करते हैं, कई मंत्री करते हैं और कई सारे वीवीआईपी इसी सड़क से गुजरते हैं। ऐसे में इस सड़क पर सुरक्षा चाक चौबंद रखने के लिहाज से, यातायात को चाक चौबंद रखने के लिहाज से यहाँ पे सबसे उन्नत कैमरे लगाए गए हैं और अगर गाड़ी में नंबर प्लेट होगी तो उन कैमरों की मदद से जल्द ही गाड़ी चला रहे युवकों का पता चल जाएगा। आपको यहाँ ये भी बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब वीआईपी रोड पर इस तरीके से हुड़दंग किया गया हो। इससे पहले भी पूर्व में कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी है जब वीआईपी रोड पर लोग स्टंट करते हैं। कोई कार चलती कार में से बाहर निकल के स्टंट करता है, कोई बाइक पर स्टंट करता है। हाल ही में 2 से 3 ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जब वीआईपी रोड पर रात के अंधेरे में लोगों ने शर्मनाक घटनाओं को अंजाम दिया था, जिनका बाद में चालान भी काटा गया था। ऐसे में अब भोपाल की पहचान कहे जाने वाली वीआईपी रोड कहीं ना कहीं इन हुड़दंगियों के, इन सिरफिरे लोगों के निशाने पर भी आ गई है, जो मामूली पब्लिसिटी के लिए खुद की जान के साथ साथ दूसरों की जान के साथ भी खिलवाड़ करते हैं।